सोच भी नहीं सकते इतना सस्ता मुझे पड़ा इसका टिकट। जो आपको दिख रहा होगा छोटा सा वो फिट चेयर, उस पर हम लोग ट्रैवल करेंगे। तो उसी एयरलाइन से उसका वॉशरूम आप देख सकते हैं टाइप का है। श्रीलंका में आई तो वहाँ पे मेरा बांग्लादेश का वीज़ा देखा, दो वीज़ा है मेरा, एक में मैंने ट्रैवल किया, एक वीज़ा में ट्रैवल नहीं रहे पासपोर्ट से, तीनों का सिम कार्ड इशू कर दिया। वेलकम टू श्रीलंका। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं और हमें एयरपोर्ट जाना है। और आप देख सकते हो बारिश एकदम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब जब से हम लोग यहाँ पे आए तब से बारिश हो रही है। सामान वगैरह देख सकते हो, सामान ये हमारा सामान है, अब देखते कैसे जाते हैं। तो चलिए आपको डायरेक्ट ऑटो में मिलती हूँ, मैं ऑटो में जाता तो ऑटो में मिलती हूँ, या तो फिर मैं डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट में मिलती हूँ। आ गया मैसेज टुडे 10 AM, देख सकते हो आप मैसेज अभी जस्ट आया है। तो ऑटो का देखते हैं कब तक लाता है ऑटो। इतनी बारिश हो रही है यार यहाँ पे, चेन्नई का मौसम पता नहीं था कि ये होता है। देखते हैं फ्लाइट डिले होगी या क्या होगी, वो भी नहीं मालूम कि फ़्लाइट डिले होगी या क्या, पता नहीं, देखते हैं। बाकी मैं आपको डिटेल बताऊंगी क्योंकि काफ़ी सस्ता पड़ा था मुझे ये फ़्लाइट का टिकट। तो मैं एयरपोर्ट पहुँच के सारा सेट करके फिर मैं आपको आराम से बताती हूँ जितना मुझे, तो आप सोच भी नहीं सकते इतना सस्ता मुझे पड़ा इसका टिकट। तो आप ये ऑटो लेके आ गया, ये ऑटो इसी में चलते हैं। देख सकते हो गाइस कितनी बारिश हो रही है, बारिश बारिश बारिश। ये यहाँ से इधर को जाने पे हमारा जो एरिया था ना, वहाँ से मरीना बीच बस 1 किलोमीटर था। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रिपी कैंप ये है गवर्नमेंट गाइस। तो ये जो है ये है गवर्नमेंट इंस्टेंट मेट्रो, रुको एक बार अलाउंस बंद हो जाए। ये है गवर्नमेंट इंस्टेंट मेट्रो, यहाँ से हमारा नियर बाय था तो यहाँ पे आ गए। तो अभी चलते हैं, सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है मेट्रो यहाँ पे, तो एयरपोर्ट जाते हैं। कैमरा बंद कर देना, ऑन है। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और इसमें जाना है हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 में। अब वो लिख रखा है तमिल में 616 की है तो इस पर आएगी, तो इसी पर जाएंगे अभी। बाकी मैं आपको रूट दिखा देती हूँ इसका, ये रहा रूट एयरपोर्ट मेट्रो, ये रहा यहाँ से, यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टेंट पे हम लोग हैं अभी जो लाइट जल रही है, उसके बाद ऐसे 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 जाएंगे वहाँ पे। शायद पहुँच गई हूँ, ये जो है इंटरनेशनल टर्मिनल, तो यहाँ से चलते हैं अंदर। आप मेट्रो लेके आओगे ना तो मेट्रो से आपको क्रॉस करके आना पड़ेगा इंटरनेशनल टर्मिनल में। तो ये रहा इंटरनेशनल टर्मिनल, चलते हैं वहाँ अंदर। ये रहा दिस लाइन फॉर इंटरनेशनल टर्मिनल, दिस लाइन फॉर डोमेस्टिक टर्मिनल। तो यहाँ भी बारिश हो रही है। ये रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ तो ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई का। तो अब ऐसे तो हमारे पास कुछ पता नहीं कौन से गेट से जाना है, बट देखते हैं कौन से गेट से जाना है। ये रहा कुछ इस तरह से टर्मिनल 2 एंड दिस इज़ द इंटरनेशनल टर्मिनल। डन सिक्योरिटी चेक एंड सब कुछ ऑल, तो मैं जाके वहाँ पे लाउंज में जाके आपको सारा डिटेल में आपसे बात करूँगी। ये जो है ये वे टू लाउंज, तो लाउंज अभी जा रहे हैं वहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करते क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो पहले वो सब करते वहाँ पे बैठ के मैं अच्छे से आपको सारा डिटेल बताती हूँ क्या हुआ क्या सीन सारा कुछ मैं बताती हूँ, क्योंकि ये सिंपल सा है लेकिन फिर भी कुछ क्या क्वेश्चन पूछेगा वो मैं सारा आपको बताती हूँ वहाँ पे पहुँच के। ये रहा सारा आपका, जो आपको दिख रहा होगा छोटा सा वो फिट चेयर, उस पर हम लोग ट्रैवल करेंगे। तो उसके बारे में जो डिटेल है मैं आपको बताती हूँ क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जो है पहले लाउंज में बैठते हैं और बातें करते हैं आपसे।
सारा डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ऐसे बात करने में ना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि न्यू ब्लॉगर लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पब्लिकली बात करने में। तो ये है सीन। तो पहले वो अंदर वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होता, तो मैं वो लाउंज का क्या था कि लाउंज में हमने सारा कुछ तो खा लिया, 2 घंटे अलाउ था लाउंज में, और क्या था कि जितना था जितना खा सकते थे उतना खा लिया, और एक ये लिया जो कि मैं फ़्लाइट में पीऊँगी, एक वरुण ने लिया है, और बाकी 2 ही घंटा। ऐसे हमने पूछा था कि अगर आपके पास जो बैंक के तरफ से जो कार्ड होता है जिसमें लाउंज एक्सेस होता है, अगर वो लेते हो तो आपको 2 रुपये कटते हैं वीज़ा कार्ड में, और मास्टर कार्ड में 25 रुपीज़ कटते हैं, और अगर नहीं है ये सब तो आपको 4,500 के लगभग देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, उसमें भी आप 2 घंटे ही लाउंज एक्सेस कर सकते हो। तो हमारा सारा कुछ हो गया, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं था तो हमने किया नहीं, बाकी मैंने कुछ वीडियो अटैच कर दूँगी जो मैंने फ़ोन से लिया था। और अभी जब हमारा सिक्योरिटी का टाइम हो चुका है, हाँ बोर्डिंग पास ले लिया बैग में, तो हमारा हो गया। गाइस तो फ्लाइट बैठ चुके हैं, ये कुछ ऐसा है, ये एयरलाइंस का नाम आप लोग देख लो, बाकी कुछ जो भी इम्पोर्टेंस मिलेगा मुझे कुछ अगर लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी। बाकी जो आप देख सकते हैं लेग स्पेस ठीक है, और ठीक ही है, मैं श्रीलंका का अपना एयरलाइंस है, जैसे कि हमारा इंडिगो वगैरह है ना उस टाइप का, श्रीलंका का अपना ये है, आप देख सकते हो। तो देखते हैं आगे, मैं जो भी इम्पोर्टेंस मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। बाहर का कुछ ऐसा है, इधर देखो, इधर बैगेज क्लेम करना है। इमिग्रेशन में थोड़ा बहुत हुआ प्रॉब्लम मुझे, तो मैं बताती हूँ क्यों प्रॉब्लम हुआ, बाकी मेरे फ्रेंड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो वो भी मैं बताऊँ क्यों नहीं हुआ और मुझे क्यों हुआ, सारा मैं बताऊँ कहीं बैठ के अच्छे से। अभी बैगेज ले लेते हैं, अभी आया नहीं है, बैगेज लेके सारा काम करके आराम से अच्छे से मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं श्रीलंका पहुँच गई, स्टाम्प वगैरह सारा कुछ हो गया, बस बैगेज क्लेम करना है, ठीक है। लेते हैं डायलॉग कंपनी का, तो पैसे विड्रॉल कर लिए, मैं बताती हूँ कहीं बैठ कर सिम निकालते, वो जो डेटा का प्लान है, दिस इज़ द डेटा प्लान एंड दिस इज़ द काफ़ी सुना है, तो डायलॉग का मैं ले रही हूँ, ये है प्लान। तो मैंने ये 1400 वाला लिया श्रीलंकन रुपीज, बाकी ये जो 50 डेज का ये जो है ना अनलिमिटेड व्हाट्सएप एसेस, तो ये सारा इसमें भी मिलेगा, बट ये 50 GB है, ये 20 GB है, तो ये मैं ले रही हूँ, मेरा कर रहा है, तो लेते हैं। उसके बाद सिम ओपन करके चलते हैं यहाँ से, नेक्स्ट जो जाना है। तो आपसे आपको कुछ बहुत कुछ बताना है, मैं आपको बताती हूँ शुरू से। मेरा इमिग्रेशन हो गया, सारा डन हो गया, तो इंडिया में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतलब ऐसे ही मजाक करके उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, क्यों जा रहे हो, क्या जा रहे हो, कब तक रहोगे, स्टाम्प दे दिया। श्रीलंका में आई तो वहाँ पे मेरा बांग्लादेश का वीज़ा देखा, 2 वीज़ा है मेरा, एक में मैंने ट्रैवल किया, एक वीज़ा में ट्रैवल नहीं किया है, तो बोला क्यों गए थे मतलब बांग्लादेश, और मुझे थोड़ा अजीब तरीके से वो देखा। उसके बाद क्या हुआ कि बोला कितने देर, क्या कौन सा एड्रेस है कोलंबो में, तो मैंने लिखा था बस एड्रेस वहाँ पे, वीज़ा अराइवल फॉर्म मैंने ऑनलाइन भरा था, तो मैंने लिखा वहाँ पे हॉस्टल का नाम नहीं लिखा, तो मैंने बोला कहाँ रुकोगे, तो मैंने बोला हॉस्टल, तो वो हॉस्टल समझ नहीं पाई, तो मैंने बोला बैकपैकर हॉस्टल में मैं रुकूँगी, तो फिर वो बोला कि आपने बैकपैकर हॉस्टल का नाम नहीं दिया, बस एड्रेस, तो मैंने नाम बताया, और मेरा
वहाँ पे तो डन हो गया, काम हो गया वहाँ पे, मतलब 5 मिनट लगे हो गया। उसके बाद अभी जब आई तो मैंने यहाँ पे करेंसी निकाले 10,000, मैंने निकाले 10,000। पीपल्स बैंक में आपको एक भी चार्जेस नहीं लगते हैं, तो मैंने 10,000 निकाले, मुझे 2500 के लगभग कटे मेरे, 2500 का 10,000 मुझे मिल गया। उसके बाद सिम का मैंने डायलॉग सिम लिया है, एक्टिवेट भी हो गया। और पंगा क्या हुआ यहाँ पे कि मेरा फ्रेंड तो मेरे साथ है, उसके बाद हमें एक फ़्लाइट में एक फॉरनर मिली थी, तो हम लोग सब खड़े थे, तो मैंने सबसे पहले अपना पासपोर्ट दिया, बोला कि सिम दे दो। तो उसने क्या किया, मेरे पासपोर्ट से तीनों का सिम कार्ड इशू कर दिया। तो मैंने बोला क्यों, मेरा आईडी से तीनों का क्यों, हम लोग नहीं जानते एक दूसरे को, बस हम लोग फ्लाइट में मिले हैं, तो क्यों आपने एक्टिवेट कर दिया, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे मैंने बोला। तो बोलते हाँ हाँ चलेगा। फिर मैंने दोबारा बोला कि नहीं, मैं शेयर नहीं करना चाहती अपना डिटेल, आप मुझे डीएक्टिवेट करो और फिर से इशू करो, मुझे नहीं अपने आईडी से देना है। तो फिर उसने डीएक्टिवेट करके उन लोगों का पासपोर्ट ले लेके अलग अलग दिया, नहीं तो मेरे ही आईडी से, मेरे पासपोर्ट से तीनों को सिम कार्ड इशू कर दिया था। तो ये थोड़ा बहुत इशू हुआ। बाकी अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे कोलंबो फोर्ट, बाकी कोलंबो फोर्ट जाके मिलते हैं, जो जैसा भी होता है बस लेंगे। आपको मैं बस का बाहर से दिखाती हूँ, ठीक। तो बस यही सब, बाकी कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है, बहुत फ्री, बहुत अच्छा है, इमिग्रेशन तुरंत कंप्लीट हो जाता है। बाकी सिम का, डायलॉग का सिम लिया है, डायलॉग का बहुत लोगों का, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में देखा था कि डायलॉग वो लोग रिकमेंड कर रहे थे, तो वही लिया मैंने। बाकी पीपल्स बैंक में एक भी पैसे नहीं कटेंगे, तो ये ध्यान रखना, पीपल्स बैंक का जहाँ एटीएम देखो वो आप एक बार जरूर विजिट करना, चेक कर लेना आपके एटीएम से क्या सीन है क्या नहीं। तो चलिए चलते हैं पहले बाहर, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो जो सिक्योरिटी पुलिस थे उन्होंने बताया कि आगे है 500 मीटर्स में बस स्टैंड, तो बस लेंगे कोलंबो फोर्ट के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में होता है, तो वो लेते हैं फिर चलते हैं। बाकी जो है ये है वो फॉरेनर, ये है मेरा फ्रेंड, तो इन दोनों का सिम कार्ड ना मेरे पासपोर्ट से इशू कर दिया था, जो कि काफ़ी मुझे बुरा लगा, कोई मूड ख़राब हो जाता है यार। अब जिसको जानो नहीं उसको मैं कैसे दे सकती हूँ अपना आईडी डिटेल, पता नहीं क्या कर रहा हो, किसको कॉल कर रहा हो, मेरे आईडी से क्या ही कर ले। चलते हैं पहले बस स्टैंड, वहाँ से चलते पहले बस स्टैंड, बस स्टैंड से बस लेके जाएंगे कोलंबो फोर्ट, कोलंबो फोर्ट से फिर लेंगे ट्रेन। अब मैं आपको रूट बताऊंगी वहाँ पे जाके। बाकी जो है यहाँ का श्रीलंका का थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ, यहाँ हमारे इंडिया से टाइम जोन सेम है, जैसे वहाँ अगर 7 सुबह के 7 बज रहे तो यहाँ भी सुबह के 7 ही बजते हैं, और यहाँ पे स्टेट नहीं होता, यहाँ पे प्रोविजंस होते हैं, पे टोटल 9 प्रोविंस हैं। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है रनिल विक्रम सिंह, अगर सॉरी फॉर अगर प्रोनाउंस सही से नहीं हो पा रहा है तो। बाकी वेदर काफ़ी यहाँ पे धूप है, गर्मी है, और चेन्नई में तो काफ़ी बारिश हो रही थी और यहाँ पे काफ़ी गर्मी है। चलते बस पहले लेते हैं। तो बहुत सारे ऐप वगैरह ये वो करने के बाद हमें टुक-टुक मिला है बस स्टैंड के लिए 300 लंकन रुपीज़ का। तो बस स्टैंड चलते हैं, उसके बाद वहाँ से कोलंबो फोर्ट जाएंगे, क्योंकि 3,500-4,000 रुपये कौन ही दे कोलंबो फोर्ट के लिए, और बस स्टैंड बहुत दूर है, काफ़ी गर्मी है। तो वहाँ जाएंगे नहीं। तो ये है टुक टुक वाले भैया, भाई में हमने ना 2200 का कर, मतलब 3,200 का कर लिया है। हाँ 3,200 होटल, ये जो एरिया है ना यहाँ पे कभी डच लोग आए थे, तो वो सारा जो आर्किटेक्ट है तो उस टाइप का बना हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग कोलंबो फोर्ट ही जाएंगे, क्योंकि बैठ गए अब थक गए, तो सोचा चलो चलते कोलंबो फोर्ट। अन्ना व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज काविंग। काविंग 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 काविंग। यू आर सिंगल और तमिल? नो सिंगल। ओके इतना तो बोलना सीखा है। इंग्लिश कुंडम कुंडम तमिल कुंडम कुंडम। नेक्स्ट वो है कहीं दूसरे जगह जाने का, तो लंबे में स्टे नहीं करते, तो मैं धीरे धीरे आपको बताते जाऊँगी कहाँ जा रहे हैं और क्या हमारा रूट होने वाला, जो हमारा रूट होने वाला है वो यूनिक सा होने वाला है, जो मोस्ट
खतरनाक सिटी है श्रीलंका की, और हम लोग सुबह के 4:30 बजे अकेले घूम रहे हैं, क्योंकि सोचा कि अकेले अभी तो दिख नहीं रहा होगा मैं कुछ